अब बारी सिनेमा गुरु की। आज हम आपको बताएंगे लेजेंडरी प्राण साहब के बारे में 10 ऐसी बातें जो आप नहीं जानते हैं। दोस्तों, प्राण साहब ने सबसे पहली बार अभिनय किया था अमरीश पुरी जी के बड़े भाई मदन पुरी के नाटक रामलीला में, और इस नाटक में उन्हें माता सीता का किरदार मिला था। प्राण साहब हिंदुस्तान के ग्रेट एक्टर हैं, लेकिन आपको पता है इस ग्रेट एक्टर का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, और यही कारण है कि 10th के बाद प्राण साहब ने पढ़ाई छोड़ दी। प्राण साहब को पान खाने का बड़ा शौक था और ये शौक 20 साल की उम्र से ही शुरू हो गया। एक बार एक पान की दुकान पे प्राण साहब पान खा रहे थे और वहीं एक डायरेक्टर की नजर उन पे पड़ी और डायरेक्टर ने पान खाते हुए देख के इन्हें फिल्म में साइन कर लिया। दोस्तों, प्राण साहब आजादी से एक दिन पहले हिंदुस्तान आए थे और होटल ताज में ठहरे। यहाँ रहने के 8 महीने बाद उन्हें उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म मिली जिसका नाम था जिद्दी, और इसके लिए बतौर मेहनताना उन्हें 500 रुपए मिले थे। हालांकि प्राण साहब की पहली फिल्म पंजाबी में थी जिसका नाम था जट यमला। दोस्तों, यूं तो हिंदुस्तान में तमाम विलेन हुए, लेकिन प्राण साहब जैसा विलेन कोई नहीं हुआ, और यही कारण है कि 50 साल तक हिंदुस्तान में किसी बच्चे का नाम प्राण नहीं रखा गया। क्योंकि प्राण साहब ने पढ़ाई कम की थी इसलिए उन्हें हिंदी पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी, हिंदी डायलॉग्स नहीं पढ़ पाते थे, और इसी कारण वो अपने डायलॉग्स उर्दू में लिखवाते थे। दोस्तों, प्राण साहब अपने सेहत का बहुत ख्याल रखते थे। 1998 में पहली बार 78 साल की उम्र में वो हॉस्पिटल में गए क्योंकि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। इससे पहले उन्हें कभी हॉस्पिटल जाना नहीं हुआ। दोस्तों, प्राण साहब अपने जमाने के सबसे महंगे कलाकार थे। उनसे ज्यादा पैसा सिर्फ राजेश खन्ना साहब को ही मिलता था। जब राज कपूर साहब फिल्म बॉबी बना रहे थे और वो प्राण साहब को अप्रोच करने गए और बोले कि प्राण साहब, हम आपको अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं लेकिन हम आपकी फीस नहीं दे सकते हैं, तो प्राण साहब ने बॉबी फिल्म मात्र 1 रुपए में की। प्राण साहब बहुत ही मेहनती कलाकार में से एक थे। वो अपने हर किरदार पे बहुत मेहनत करते थे। जब भी उन्हें कोई रोल ऑफर होता था तो उनका पर्सनल स्केच बनाने वाला इंसान उस कैरेक्टर को स्केच से डिजाइन करता था, और तब तक करता था जब तक प्राण साहब उसे पसंद ना करें, और जो फाइनलाइज होता था उसी किरदार को, उसी गेटअप को प्राण साहब पर्दे पे उतारते थे। दोस्तों, प्राण साहब बड़े ही शौकीन मिजाज के कलाकार हैं। उन्हें कार का बहुत शौक है, उनके पास तमाम तरह की कारें हैं। हालांकि उन्होंने सबसे पहली बार जो कार खरीदी थी वो थी हिलमैन। भैया, प्राण साहब जैसा कलाकार हिंदुस्तान में दूसरा नहीं होता है, और आपको पता है जब तक हमारे शरीर में प्राण है हम प्राण साहब को बार बार अनवरत याद करेंगे, और प्राण साहब को ये भी याद कर रहे हैं, और साथ ही आपकी भावनाओं की कदर करते हुए 5 मस्त गाने सुनाते हैं। तो भैया सुनिए गाना नंबर 5, 4, 3, 2 और 1। भैया, दिले नादा की जिद है कि तेरा साथ रहे, मर्ज़ी ये वक्त कहता है बिछड़ना होगा, लेकिन इस वादे के साथ अगली बार फिर आऊंगा धमाकेदार एपिसोड लेके, आपके भेजे हुए मस्त मस्त चटपटे चटक चुटकुले लेके, मेहमान से घमासान लेके, और भी सिनेमा गुरु में किसी नए कलाकार के बारे में 10 मस्त बातें लेके। तब तक चलते हैं हम, और आप अपना काम करते रहिए, सिर्फ देखने का नहीं, मेल करते रहने का, अपने चुटकुले, अपने आइडियाज, अपने सजेशन उसी मेल आईडी पे, जी हाँ, bigmagicmarketing@reliancebroadcast.com पे। तब तक गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, और सदा मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए अपना मनपसंद शो बिग टॉप 20 ओनली ऑन बिग मैजिक।